2010 में बड़े चाव के साथ 11 अप्रैल में माँ माटी और मानुष के नारे के साथ बंगाल के अंदर परिवर्तन किया था। बंगाल की जनता के मन में ढेर सारी अपेक्षाएं भी थी, आशाएं भी थी, और वो चाहते थे कि उनकी संवेदनाओं को उचित प्रतिसाद मिले, प्रॉपर रिस्पॉन्स मिले। एक लंबे समय के 3 दशक के कम्युनिस्ट शासन से बिल्कुल त्रस्त होकर तृणमूल कांग्रेस और उसकी नेत्री ममता बनर्जी के हाथ में बंगाल की सत्ताओं के सूत्र बंगाल की जनता ने दिए थे। मगर आज जब पीछे मुड़कर 10 साल के बाद देखते हैं तो मां माटी और मानुष का नारा तुष्टिकरण, तानाशाही और टोलबाजी में परिवर्तित हो गया है। जो अपेक्षाएं रखी गई थी किसी भी मानांक में तृणमूल सरकार और राज्य की मुख्यमंत्री अपेक्षाओं को पूर्ण करने में खरी नहीं उतरी है। वादे जो हुए वो खोखले साबित हुए और अपेक्षा निराशा में परिवर्तित हुई है और आशा सरकार के प्रति क्रोध और गुस्से में तब्दील हो गई है। और जनता में एक अजीब प्रकार का वातावरण देखने को मिलता है। मैं जहां जहां गया सैकड़ों की हजारों की संख्या में लोग रोड पर आए हुए थे। जब वो भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम के नारे लगाते थे तो हमारे स्वागत के लिए कम थे ममता जी पर गुस्से के कारण ज्यादा दिखाई पड़ते थे। एक आंख में तो ममता सरकार की विफलताएं और असंवेदनशील शासन के प्रति गुस्सा दिखाई पड़ता था और दूसरी आंख में मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही इसको बदल सकती है ऐसी आशा दिखाई पड़ती थी। इसका कारण है बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा, चाहे वो बीमारू राज्य हो, पहले बीमार बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमारा शासन आया, वहां पर हमने स्थिति को बदला है। गुजरात के अंदर भी स्थिति को अंदर परिवर्तन लाए हैं। देश के अंदर सुशासन का एक नया मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर सेट किया है और केंद्र में भी मोदी जी की सरकार बनने के बाद 5 ही साल में लगभग 60 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चाहे धन धन का अकाउंट देना हो, उसको अर्थतंत्र के साथ जोड़ना हो, चाहे घर देना हो, घर के अंदर गैस का सिलेंडर देना हो, बिजली देनी है, शौचालय देना है और अब शुद्ध पीने का पानी देना है, किसानों को हर साल 6,000 रुपया देना और गरीबों को 5 लाख तक की स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, एक नया आशा का संचार 60 करोड़ गरीबों के लिए किया है। और मैं बंगाल की जनता को आश्वस्त करने आया हूं कि आपने कांग्रेस को भी एक मौका दिया, कम्युनिस्टों को भी मौके बार बार दिए और 2 बार ममता दीदी को भी दिया, एक मौका मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को बना दीजिए, दे दीजिए। हम 5 साल में सोनार बांग्ला बनाने का आपको वादा करते हैं। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, बंगाल के अंदर विकास हो, देश की सीमाएं सुरक्षित हो, बंगाल के अंदर घुसपैठ रुके। तृणमूल कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य है, दीदी का एकमात्र लक्ष्य है कि अगली टर्म में भतीजे को मुख्यमंत्री बना देना। मगर मैं बंगाल के किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आप चिंता मत करिए, मई के बाद आपके अकाउंट में ये पैसा सीधा मोदी जी भेजने की व्यवस्था करेंगे और आपके अकाउंट में पैसा आएगा, क्योंकि मई के बाद यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मित्रों, योजनाओं के नाम बदलकर अपने नाम पर रखना,
और अपनी योजना कर प्रचारित करना, इससे बंगाल का भला नहीं होगा। समग्र स्थिति का विहंगावलोकन अगर करते हैं, उसका एक असेसमेंट लेते हैं, जायजा लेते हैं, तो ये निश्चित रूप से मैं आपको कहता हूं कि आने वाले चुनाव में बंगाल में हम 200 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, 200 सीटों।